इसके पहले चित्रपाठ में जो पढ़ाया गया था उसके आगे देखिए लखनऊ नगरम। लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेश से राजधानी अस्ति। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी अस्ति माने है। इदम प्राचीनम सुरम्यम च नगरम अस्ति। इदम माने यह है, प्राचीनम माने पुराना, सुरम्यम माने सुंदर, पुराना और सुंदर नगर अस्ति माने है। इसका अर्थ हो गया यह पुराना और सुंदर नगर है। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। अत्र माने यहाँ, बहूनि माने बहुत से, दर्शनीयानि माने देखने योग, स्थलानि माने स्थल, सन्ति माने हैं। यथा रेजिडेंसी स्थलम, जैसे रेजिडेंसी स्थल इमामबाड़ा भवन बहुत प्रसिद्ध है वहाँ का, सचिवालय भवनम सचिवालय भवन, आंचलिक को विज्ञान केंद्र, आंचलिक विज्ञान केंद्र। इदम किम, अभी आ रहा है, इदम किम यह क्या है, इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति, यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम अस्माकम देशभक्तानाम आत्मत्यागम स्मारयति, यह हमारे देशभक्तों के आत्मत्याग को याद दिलाता है। प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे, पहले स्वतंत्रता संग्राम में 1857 ईस्वी वर्ष में भारतीयाः वीराः, भारतीय वीरों ने आंग्ल शासनस्य, अंग्रेजी शासन का यदा माने जब, विरोधम माने विरोध, अपरोन माने किया, तदा तब देशभक्ताः, देशभक्तों ने भी अत्रापि माने यहाँ आंग्लान आक्रांतवन्तः, जो अंग्रेजी शासक थे अंग्रेजी शासकों के ऊपर आक्रमण किया। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में राष्ट्रभक्तैः ही स्वरक्तम प्रवाहितम, राष्ट्रभक्तों के द्वारा अपना रक्त बहाया गया। तेषां त्यागे नैव, उनके त्याग के द्वारा ही स्वतंत्रतायाम एकम सोपानम निर्मितम भव, स्वतंत्रता की एक सीढ़ी का निर्माण होता है। इदम इमामबाड़ा भवनम, ये चित्र जो देख रहे हो ये इमामबाड़ा भवन का है। अति मनोहरम अस्ति, बहुत अत्यधिक सुंदर है। इदम अवध शासका नाम स्मारकम अस्ति, यह अवध शासकों का स्मारक है। अस्य भवनस्य छदिः, अस्य माने इस भवन से माने भवन की, छदिः माने छत, अति विस्तृता अस्ति, बहुत अत्यधिक विस्तृत है। इयम स्तंभैः विनापि, यह स्तंभों के बिना भी, खम्भों के बिना भी, बहुकौशलेन निर्मिता अस्ति, बड़ी कुशलता के द्वारा बनी हुई है। अस्मिन् एकम विचित्रम सोपान मंडलम अस्ति, इसमें एक विचित्र सोपान मंडल अस्ति, सीढ़ियों का मंडल है, विचित्र सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कह रहे हैं जहाँ लोग जाकर के उसको भूल जाते हैं रास्ता, इसको भूल भुलैया कहते हैं। तो अस्मिन् एकम विचित्रम सोपान मंडलम, इसमें एक बहुत विचित्र सीढ़ियों का मंडल है। तत्र माने वहाँ, नवागंतुकाः नव नए आने वाले, बहुधा माने अस्कांत या मार्गम विस्मरन्ति, रास्ते को भूल जाते हैं। अतएव इसीलिए जनाः माने लोग इदम भवनम भूल भुलैया इति वदन्ति, इस भवन को भूल भुलैया कहते हैं। इदम सचिवालय भवनम अस्ति, यह सामने देख रहे हो चित्र में वो सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने, इस भवन में विधानसभायाः विधान परिषदस्य, विधानसभा की और विधान परिषद अधिवेशनानि भवन्ति, अधिवेशन होते हैं। अस्मिन् एव भवने
इस भवन में ही स्थित्वा माने रह करके राज्यस्य मंत्रिणः राज्य के मंत्री, सचिवाः माने सचिव, अन्य जो अधिकारिणः और जो अन्य अधिकारी हैं राजकार्यम संचालयन्ति, राजकार्य को चलाते हैं। सचिवालय हो गए खत्म, थोड़ा सा रहेगा। सचिवालय में ही उत्तर प्रदेश शासन से मुख्य कार्यालय अस्ति, उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है। इदम किम, ये क्या है? इदम आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति, यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। किमर्थम इदम प्रसिद्धम, ये क्यों प्रसिद्ध है? इदम ही अनुभव आधारित शिक्षा प्रदानाय विख्यातम है, यह अनुभव आधारित शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध है। इदम केंद्रम लखनऊ नगर से मध्य स्थितम अस्ति, यह केंद्र लखनऊ नगर के मध्य स्थित है। अस्मिन् केंद्रे अन्वेषण कक्षम इति नामना भवनम अस्ति, इस केंद्र में अन्वेषण कक्ष इस नाम से एक भवन है। अस कक्षे, इस कक्ष में कमरे में भूजलीय अन्वेषणम, भूजलीय अन्वेषण और जैव प्रौद्योगिकी क्रांति और व्यवहारिक विज्ञान, तीन प्रकार की दीर्घाएँ संति माने हैं।